ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಮಸಂಜಯ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಪೂರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ರೊಮೋ ಕೋಡು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್, ಗೂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ರೀಚ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೆಸ್ 1, ಹಿಂದಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೋ ದಬಾಯೆ. ಹಿಂದಿ ಕೆ ದೋ ದಬಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. आपकी कॉल मॉनिटर या रिकॉर्ड की जाए जो हमारी गोपनीयता नीति के अधीन है. अब क्योंकि ये लाइन सिर्फ एड्स के लिए है, मैं Ads, आपका कॉल किसी एड स्पेशलिस्ट को ही ट्रांसफर कर सकती हूँ जो आपसे सिर्फ एड्स के बारे में बात कर पाएंगे. इसलिए अगर आप किसी और वजह से कॉल कर रहे हैं तो अच्छा है कि समय बचाने के लिए आप सही जगह पर कॉल करें. तो क्या आप किसी एड स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं? Yes. या आपको किसी और चीज के लिए मदद चाहिए? आप क्या चाहते हैं, कोई एड स्पेशलिस्ट या किसी और चीज के लिए Ad मदद? स्पेशलिस्ट, माफ कीजिएगा, आपको क्या चाहिए, कोई एड स्पेशलिस्ट या किसी और चीज के लिए मदद? एड स्पेशलिस्ट. वाह, होल्ड कीजिए ताकि मैं आपका कॉल किसी एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर सकूं. ठीक है, कृपया 10 अंकों वाला अपना ग्राहक आईडी डालें. आपको अपने खाते ads.google.com/home में साइन इन करने के बाद ग्राहक आईडी दिखेगा. अगर आपको अपना ग्राहक आईडी नहीं मिल रहा तो स्टार के निशान वाला बटन दबाएं. अपना ग्राहक आईडी मालूम नहीं है तो तारा कुंजी दबाएं. एक एड विशेषज्ञ जल्द उपलब्ध होगा. आपकी बातचीत के बाद आपको प्राप्त हुई सेवा के संबंध में एक संक्षिप्त सर्वेक्षण में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा. Thank you. My name is Prabjeet. My role is to connect you to the right resource. May I know who I am speaking with for the record? Sir, हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ जी जरूर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? Okay, संजय राय भाई सर. संजय, क्या आप Google Ads के लिए कॉल कर रहे हैं? हाँ सर. 10 अंकों का आईडी बता सकते हैं अपने Google Ads अकाउंट का, अगर आपका कोई अकाउंट है तो? हाँ सर, 171 171 582 7 2597 2597 सर. हाँ जी, तो क्या आप पैसा खर्च करके किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं गूगल एड्स के थ्रू? हाँ सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है इसलिए प्रमोट करना चाहता हूँ. ओके, तो क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? संजू राय बागी व्लॉग. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. स्पेलिंग बता सकते हैं मुझे? स्पेलिंग सर. हाँ जी, यूट्यूब चैनल के नाम की स्पेलिंग बता सकते हैं? ओके. हाँ जी, स्पेलिंग बता देंगे मुझे अपने YouTube चैनल के नाम की? यस, ए एन जे यू आर ए आई बी ए जी आई आर ए आई आर ए आई बी ए जी आई डी ए डी से डेल्टा बोल रहे हैं, डी बी ए जी आई डी ए जी आई. ओके, वी एल ओ जी एस
VLOGS हाँ सर, राइजा जी, राई बागी, एक सेकंड दीजिए मुझे, RIBAGI, बी यानी बॉय वाला बी बोल रहे हैं आप? हाँ, RAIBAGI, ओके, संजू राय बागी ब्लॉग्स, हाँ ओके, वी लॉग्स, ठीक है, वी लॉग्स। अभी लास्ट वीडियो आपने नॉर्मल वीडियो जो अपलोड किया था 2 दिन पहले, जोलो चिप चैलेंज, ओके ओके, ठीक है। किस वीडियो को आप सबसे पहले प्रमोट करना चाहते हैं बता सकते हैं मुझे आप? ये जोलो चिप्स को करना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आपका वीडियो चेक कर रहा हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, आपका वीडियो का ऐड प्ले हो रहा है अभी फिलहाल। क्या मुझे बता सकते हैं इस वीडियो में आप किस कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? वो कनाडा है, कनाडा, ओके, ठीक है जी। देखिए जैसे कि आप आपने गूगल एड्स में इंटरेस्ट हो, कि आप जानना चाहते हैं कि प्रोमो कोड कैसे काम करता है, उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और कैसे गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, मैं आपकी बात अपने गूगल एड्स के एक्सपर्ट के साथ करा दूंगा। हमारा एक्सपर्ट आपको बता देंगे कैसे आप कैंपेन को शोकेस करेंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच करने के लिए, और कैसे गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर पाएंगे। क्या आप मुझे बता देंगे कि आप एक दिन का मिनिमम मैक्सिमम कितना खर्चा सोच के चल रहे हैं, कितना खर्चा करने की सोच रहे हैं, एक अंदाजा? 2000, ओके। एंड क्या आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रमोट कर रहे हैं इस समय, जैसे कि ट्विटर या फेसबुक? नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर देंगे एक बारी? कौन सा वाली, ये अकाउंट वाली? हाँ जी, अकाउंट के साथ जो लिंक्डइन आईडी है वो ही, विजय रायबागी 59, ओके, @gmail। थैंक यू, ठीक है जी, मुझे और कुछ जानकारी नहीं चाहिए, मैं आपके पास एक्सपर्ट के साथ करा देता हूँ, आपकी मदद कर देंगे। ओके, नोड़ी ना बोले तिलको बेकंत इधर और मारा के चालू मार बिटर है, नोड़ा नहीं ये मारता नोड़ा ना के। हेलो, हाय संजय, थैंक्स फॉर कॉलिंग इन गूगल ऐड्स, मेरा नाम साक्षी है, आपके डिजिटल कंसल्टेंट, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैडम, लेकिन मैं एक गूगल ऐड चलाना चाह रहा था मैडम। ओके ओके, वो प्रोमो कोड है ना, वो सब माहिती चाहिए था वो। ओके, सो संजय मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी, कॉल रिकॉर्डिंग लाइन पर है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पसेस के लिए, सब्जेक्ट टू द प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, एंड ये कॉल 20-25 मिनट्स का टाइम लेगी आपके क्वेरी या फिर आपके कंटेंट जो आप प्रमोट करना चाहते हो उसके डिस्कशन के लिए, ठीक है। एंड आपके वीडियो का यूआरएल लिंक मुझे रिसीव हुआ है, जोलो चिप चैलेंज के नाम से आपने वीडियो बनाया हुआ है, जानना चाहूंगी इससे जुड़े सभी डिसीजन आप लेते हो, आप ओनर हैं चैनल के? हाँ मैडम, ठीक है। तो इस कॉल पे मैं आपके गूगल एड्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न रहेंगे सभी को एड्रेस करना चाहूंगी, साथ ही साथ थोड़ा सा आपके गोल्स को समझते हुए आपको एक राइट स्ट्रेटजी मैं रेकमेंड करूंगी इन्वेस्टमेंट के साथ, ओके मैम, ठीक है। एंड जो आपसे जानना चाहूंगी एग्जैक्टली क्या क्वेरी है आपका? प्रमोट करना चाहता हूँ मैडम, ऐसा माहिती चाहिए मुझे। ओके, आप प्रमोशन करना चाहते हैं, माइटी मतलब क्या चाहिए आपको? वो प्रमोट कैसे करते हैं ना, देखना चाहिए मेरे को। प्रमोट करना, प्रमोट करवानी है वीडियो, राइट? ठीक है, ठीक है। गूगल एड्स से पहली बार प्रमोशन करने आ रहे हैं आप या इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहली बार ही है। पहली बार है, ठीक है। अपना 10-digit कस्टमर आईडी एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। ओके, 171, हाँ जी, 582, हाँ जी, 2597, ठीक है, ओके। सो अभी करंटली आपके आपके अकाउंट में कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, आपने कोई कैंपेन नहीं बनाया, राइट? ओके ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल मैं जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी आपसे, आपका जो चैनल के जैसे कि आपने बताया आप ओनर हैं, तो कोई मार्केटिंग टीम भी है आपकी या फिर आप अभी अकेले ही हैंडल कर रहे हो, इंडिविजुअली आप चैनल को हैंडल कर रहे हो? वो अमेज़न का भी असिस्टेंट है मेरा, टीम है
टीम है मतलब आपकी, राइट? हाँ मैडम। ठीक है, अलावा भी आप कहीं पे प्रमोशन कर रहे हैं या फिर सिर्फ अभी गूगल एड्स से ही कर रहे हो आप? अभी गूगल एड्स से करना चाहता हूँ, मेरे को ये 20,000 का थोड़ा चाहिए। 20,000 के प्रोमो कोड, ठीक है, ओके। मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, उससे पहले जानना चाहती हूँ गूगल एड्स से आपके गूगल एड्स के से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्या गोल है आपका? मेरी वीडियो लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ, रीच करना चाहता हूँ मैं, इंडिया के लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। ये चैनल आपने, सॉरी, ये अकाउंट आपने कब क्रिएट किया है अपना? कौन सा मैम? ये जो आपका अकाउंट है गूगल एड्स अकाउंट, ये आपने कब क्रिएट किया है? ये 2 मंथ हुआ मैडम। 2 मंथ हो गए, ठीक है। सो आपका जो अकाउंट है इसमें आप एलिजिबल है 20,000 के प्रोमो कोड के लिए जो कि ऑलरेडी अप्लाइड है आपके अकाउंट में, ठीक है, जिसका 4th ऑफ जनवरी के बाद आप अपने प्रोमो कोड को यूज कर पाएंगे। मतलब कि इसमें बेसिकली क्या होता है, आप इनिशियली जब अपने एंड से 20,000 प्लस 18% जीएसटी आप अपने एंड से इन्वेस्ट करेंगे, तो आफ्टर 60 डेज के बाद या समटाइम 60 डेज से पहले भी आपको प्रोमो कोड मिल जाता है 20,000 का गूगल के एंड से, जो कि आप अपने प्रमोशन में यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको मिला हुआ है और अप्लाइड भी है अकाउंट में। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ, आपके वीडियो का आपके गोल्स मैं जानना चाहती हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आपको एक कैंपेन रेकमेंड करूंगी एंड जो आपका प्रमोशन होगा वो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगी, लाइक कैंपेन क्रिएशन में और ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। सो जो आपका वीडियो है इसके बारे में आप मुझे प्लीज बताइए, क्या है आपके वीडियो में, क्या चैलेंज है ये, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इसमें? इसमें तो मैं जोलो चिप्स हम दोनों चॉइस लगाए थे रिएक्शन नहीं करने का खाकर, ठीक है। अच्छा, और किस लैंग्वेज में है वीडियो आपका? कन्नड़ मैडम, कन्नड़। कन्नड़ में है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है, ओके, लाइन पे रहिएगा प्लीज। So, इसमें आप लोकेशन क्या टारगेट करना चाहेंगे, किस जगह पे आप अपनी एड दिखाना चाहते हैं? कर्नाटका मैडम, ओनली कर्नाटका में एड दिखानी है, ठीक है। और किस तरह की ऑडियंस टारगेट करना चाहेंगे आप? मतलब मैडम, ओके, जब हम गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट करते हैं हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस टारगेट करने का मतलब है हम इंटरेस्ट के बेसिस पे, एज हो गया, इनकम स्टेटस हो गया, जेंडर वाइज हो गया, हम ऑडियंस कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी वीडियो होगी वो अननेसेसरीली सबको नहीं दिखाई जाएगी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं या आपके लिए सर्च कर रहे हैं या आपके जैसे कंटेंट में इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं, उन लोगों को आपका कॉन्टेंट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कैंपेन बनाते टाइम पे, और इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो कि आपके आपके वीडियो को देखेंगे और फिर सब्सक्राइब करने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सो किस तरह के लोगों को आप अपनी अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो, अपना कंटेंट? ब्लॉग वालों को सर मैडम, जो लोग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, राइट, इंटरेस्टेड है, ब्लॉग्स देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी चैनल पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, आपके चैनल है संजू राय बागी ब्लॉग्स के नाम से, मैडम। सो ये कितना पुराना चैनल है आपका? ये स्टार्ट किया था आपने 19th मई शो हो रहा है 19th मई 2022 इसी साल मई में आपने स्टार्ट किया है चैनल, है मैम, ठीक है। सो चैनल पे अगर मैं देखूं 178,433 व्यूज है, 2.93 के सब्सक्राइबर्स है, काफी अच्छी ऑडियंस, और काफी ऑडियंस आपके चैनल पे ऑलरेडी आई हुई है फ्रॉम लास्ट 7 to 8 months में। तो ये जो ऑडियंस है कैसे आ रही है चैनल पे आपके, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली का कॉम्बिनेशन है या फिर आप शेयर करते हो, लाइक ये ऑडियंस आ कैसे रही है? ऑर्गेनिक से आ रही है मैडम। कैसे मैडम? आप ऑटोमेटिकली आ रही है मैडम, इससे तो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है।
ठीक है, अभी इसमें से जानना चाहूंगी गूगल एड्स के अलावा अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन नहीं कर रहे हो जैसा कि आपने मेंशन किया था, राइट? हाँ मैम। ठीक है, सो अगर आप बोल रहे हो इतनी ऑडियंस ऑटोमेटिकली आ रही है, विच मीन्स काफी लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं आपके कंटेंट को, एंड काफी वीडियोस आपने डाली हुई हैं। सो जो वीडियोस आपने, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ काफी कंटेंट है इतने मंथ में, तो कितना फ्रीक्वेंटली आप वीडियोस को अपलोड करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे करते हैं, वीकली, मंथली, कैसे कर रहे हो अभी आप कॉन्टेंट अपलोड? 10 डेज बनाता हूँ, 10 डेज अपलोड करता हूँ मैडम। 10 डेज में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी गोल्स जानना चाहती हूँ आपके, गूगल ऐप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने वीडियो के लिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप प्रमोट करना चाह रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? वही तो मैम, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा वीडियो। अच्छा, मतलब आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखिए, राइट? मतलब आपको व्यूज मिले, ठीक है। कितने व्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 10,000 मैडम। 10,000, ठीक है। सो अगर जानना चाहूंगी रीजन 10,000 ही सिर्फ क्यों आप टारगेट करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर हम लोकेशन कर्नाटका टारगेट कर रहे हैं और 10,000 व्यूज अगर हम कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही कम ऑडियंस है, राइट? क्योंकि देखो इतना तो आपको बिना प्रमोशन के भी मिल सकती है, 4-5,000 या फिर 10 व्यूज या फिर आपकी ऑडियंस, ये तो बिना प्रमोशन के मिल जाएगी। कितना करने का ज्यादा है, कितना करने का मैडम? कर्नाटक करना है तो देखिए, लिमिट तो किसी चीज की नहीं होती है, और अगर आप जितने मर्जी भी व्यूज टारगेट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई होगी, मेनली मैं जानना चाहूंगी वही स्ट्रेटजी की, क्या प्लान है आपका और कितने दिनों के लिए आप, क्या कितने मंथ के लिए आप प्रमोशन करने का प्लान कर रहे हैं? 10 डेज, 20 डेज मैडम। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन कि सिर्फ 10 या 20 दिन ही क्यों? हाँ मैडम। एनी स्पेसिफिक रीजन कि 10 या 20 दिन ही क्यों? और अभी कितना दिन करना चाहिए मैम? ओके, मैं आपको बताती हूँ, इस चीज पे थोड़ा गाइड करना चाहूंगी आपको। संजय, देखिए हम जो प्रमोशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं 90 डेज की बनाते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, सिस्टम का एक अपना 15 से 20 दिन का तो सिस्टम का एक अपना मशीन लर्निंग पीरियड होता है, अपना एक लर्निंग फेज होता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम अंडरस्टैंड करता है किस तरह के लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑडियंस आपके चैनल एंड आपके कंटेंट तक पहुंचेगी, ठीक है। तो 90 दिन के लिए हम प्रमोशन करेंगे, और ऐसा नहीं होता कि 90 दिन के लिए हम एक ही वीडियो को प्रमोट करेंगे, जैसा कि आपने मुझे मेंशन किया आप हर 10 दिन में वीडियोस डालते हो, तो हम महीने में कम से कम 2 से 3 वीडियोस को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 महीने में कम से कम 6 से 9 वीडियोस को हम प्रमोट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके सभी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने लोग आपके वीडियोस को देखेंगे और इंटरेस्टेड लोग देखेंगे तो पॉसिबिलिटी रहती है कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वो आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो 10,000 व्यूज का आप टारगेट लेके चल रहे हो वो भी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। अभी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सब्सक्राइबर्स और व्यूज के अलावा और क्या गोल है आपका? आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, एनी स्पेसिफिक रीजन? जैसे आजकल आपने देखा होगा कंपटीशन इतना है, लोग इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, तो सिर्फ अवेयरनेस चाहते हैं आप या इनकम जनरेट करना है या कुछ और प्लान है, क्या एग्जैक्टली आपका गोल है? मैडम मेरा गोल नाम कमाने का भी है और थोड़ा इनकम करना भी है। इनकम भी करना है, ठीक है। मोनेटाइज्ड है आपका चैनल? हाँ है मैडम, मोनेटाइज्ड है, ठीक है। तो अभी कितने कितने व्यूज या कितने सब्सक्राइबर्स आप और एक्सपेक्ट कर रहे हो? कितना चलेगा मैडम, कितना आएगा तो क्या? देखिए जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके चैनल को कैसे ग्रो करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, राइट? मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए, लेकिन अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो उस हिसाब से तो 10,000 बहुत कम है। कितना, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कितना करने का टारगेट? टारगेट तो आप मुझे बताइए कि आप कितना करना चाहोगे, या फिर आप मुझे सब्सक्राइबर्स का भी बता सकते हो, मे बी 2,000, 5,000 या 10,000,
कितने सब्सक्राइबर्स आप और चाह रहे हो, क्योंकि उसके हिसाब से भी हम व्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने व्यूज सही रहेंगे. 1 lakh मैम. 1 lakh व्यूज कह रहे हो आप? हाँ मैम. अच्छा, सो और ये गोल आपने कैसे कैलकुलेट किया, मतलब आप ऐसे ही बता रहे हैं या कुछ सोच के मतलब आप बता रहे हो? हाँ मैम. ये 1 lakh व्यूज का गोल आपने कैसे सेलेक्ट किया, मैं जानना चाहूंगी. मुझे पता नहीं चल रहा मैम, क्या बोल रहे हैं? ओके, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका जो चैनल है जो आप प्रमोशन करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने आपने जो जो मुझे आप गोल बता रहे हो 10,000 व्यूज का या 1 lakh व्यूज का, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्या प्लान्स हैं. मतलब ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हम कैंपेन बनाते हैं या जो हम स्ट्रैटेजी से कैंपेन को चलाते हैं और जो डेली बजट हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है गोल पे. जो भी आपका गोल रहेगा, आपका बजट और आपका कैंपेन उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको एक राइट ऑडियंस तक आपका चैनल पहुंचे या फिर जो आपकी ऑडियंस है वो आपके चैनल तक पहुंच सके. ठीक है, तो आप 1 lakh टारगेट करना चाहते हो व्यूज या 1 lakh से ज्यादा करना चाहते हो, वो भी आप मुझे बता सकते हो. 1 lakh मैडम लास्ट. 1 lakh लास्ट है, मतलब 1 lakh से आप शुरुआत करना चाहते हो. शुरुआत करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे इतने व्यूज आने चाहिए, राइट? हाँ मैम. ठीक है, ओके. सो ये जो 1 lakh व्यूज है, ये हम ये और ये आप कितने ड्यूरेशन में चाहोगे टारगेट करना? हाँ मैम. कितने ड्यूरेशन में आप चाहोगे टारगेट करना, 1 lakh व्यूज कितने समय में आपको आ जाने चाहिए? तो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. इनिशियली हम कैंपेन जो शुरू करेंगे, सॉरी ये जो वीडियो को हम प्रमोट करेंगे, हम 1 महीने में 2 videos का टारगेट लेके चलते हैं. ठीक है, तो 2 videos का मतलब हो गया कि 1 महीने में हम टारगेट करेंगे 2 lakh व्यूज 2 different videos के लिए. ओके, ठीक है, ये सही रहेगा. एक वीडियो के लिए 1 lakh और जो दूसरा वीडियो आप करोगे उसके लिए 1 lakh. प्रमोशन तो आप कंटिन्यूएशन में करना चाहते हो ना? हाँ मैम. इस वीडियो के बाद भी तो करेंगे आप प्रमोशन? मुझे पता चला तो मैं कर दूंगा मैडम, मुझे माहिती चाहिए ना, इसलिए मैं कॉल किया. ठीक है, माहिती आप क्या कहा, मतलब माहिती क्या है? मुझे एक्सपीरियंस चाहिए ना, मेरे को एक बार भी नहीं मैंने किया नहीं इसलिए. अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कौन सा कैंपेन आपके लिए सही रहेगा एंड कितना इन्वेस्टमेंट सही रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके गोल्स को समझते हुए आपको एक कैंपेन रेकमेंड करना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं इनफीड वीडियो एड. इनफीड वीडियो एड में क्या होता है, जब भी कोई यूजर यूट्यूब पे आके किसी कीवर्ड से आपके जैसे कॉन्टेंट को सर्च करेगा, हम उन्हें आपकी एड शो करेंगे. आपका जो वीडियो होगा वो थंबनेल साइन के साथ इंटरेस्टेड ऑडियंस के होम फीड में विजिबल होगा. साथ आपकी एड दिखाई जाएगी जो कि सीपीवी मॉडल पे रन होती है. सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, मतलब जैसे ही कोई यूजर आपके एड पे क्लिक करेगा आपको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज होगा जिसको हम सीपीवी बोलते हैं. ठीक है, कॉस्ट पर व्यू. ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको गाइड करना चाहूंगी. ठीक है, अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं एक वीडियो पे 1 lakh व्यूज का, तो 1 lakh व्यूज में हमारा सब्सक्राइबर्स का कन्वर्जन भी रहता है, मतलब कि जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी वो ही आपके कंटेंट को देखेगी, मतलब आपका जो एड होगा इंटरेस्टेड ऑडियंस को दिखाया जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूजर जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज पर मार्केट स्टैंडर्ड हम जो सब्सक्राइबर्स का कन्वर्जन लेके चलते हैं वो 1% लेके चलते हैं. पॉसिबिलिटी रहती है कि उससे ज्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी सब्सक्राइबर्स हमें मिल सकते हैं. ठीक है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेंट पे. लोग अगर आपके कॉन्टेंट को पसंद करेंगे तो ही वो सब्सक्राइब करेंगे. अगर हम 1 lakh व्यूज का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमें पॉसिबिलिटी है
कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं. हाँ. ठीक है. हाँ. तो ये मैं टारगेट लेके चल रही हूँ और इनिशियली हम 1000 सब्सक्राइबर्स और 1,00,000 व्यूज को हम टारगेट करेंगे. ठीक है. व्यू का जो मैंने आपको बताया सीपीपी, आपका जो प्राइस आ रहा है 30 से 35 पैसे के बीच में आ रहा है. हाँ मैम. मतलब कि जो आपको एक क्लिक का, एक व्यू का, जैसे यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा उस एक व्यू का जो आपको चार्ज लेगा 30 से 35 पैसे के बीच में लग सकता है. ज्यादा भी हो सकता है, शुरुआत में थोड़ा हाई भी रह सकता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिड्यूस होता जाता है. जितना सीपीवी का प्राइस कम होगा, व्यू का प्राइस कम होगा, उतने आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे. ठीक है. अभी अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे. ठीक है. अभी देखिए, अभी जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2,00,000 व्यूज का लेके चल रहे हैं, 2 व्यूज का. इनिशियली एक मंथ के लिए हम प्रमोशन करेंगे, 30 दिन में 2 वीडियोस प्रमोट करेंगे 2,00,000. ठीक है. 2,00,000 व्यूज, 2 वीडियोस के लिए 2,00,000 व्यूज. उसके हिसाब से जो आपका बजट बन रहा है, मंथ का बजट आपका बनेगा 64,000 प्लस 18% जीएसटी. हाँ मैडम. 64,000 प्लस 18% जीएसटी. मतलब की आपका दिन का बजट, एक दिन का बजट आपका बन रहा है अराउंड, आप मान के चलो 2133 रुपीज, एक राउंड फिगर मान के चल लेते हैं, 2150 रुपीज एक लेके चल लेते हैं, या 2100. ये आपका दिन का बजट रहेगा, एक दिन का. ठीक है. एक दिन का कितना बनेगा मैडम? एक दिन का आपका जो बजट आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, 2000 से 2300 के बीच में आपका बजट रहेगा एक दिन का, एक महीने के लिए. ठीक है. इसमें 18% जीएसटी रहता है अलग से, 64,000 में 18% जीएसटी होगा अलग से. ठीक है. तो इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, हमारी इन हाउस टीम है गूगल एक्सपर्ट की. मैं आपको एक मैनेजर असाइन करूंगी जिनका सपोर्ट आपके पास 90 दिन के लिए रहेगा. आपको खुद से कैंपेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी. आपके जो मैं कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ मैडम? नहीं नहीं, आप अगर कैंपेन क्रिएट भी कर सकते हो दैट्स ओके, लेकिन अगर आपको टीम के साइड से एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है जो कि एक गूगल एक्सपर्ट है और आपकी मदद कर सकते हैं, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, वो एक एडिशनल सपोर्ट है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए. ठीक है. आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है उसके लिए. गूगल एक्सपर्ट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. आपको वो एक गूगल के साइड से एक सर्विस मिल रही है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं अपने कैंपेन को डिजाइन करने में एंड ऑप्टिमाइजेशन में. ओके मैडम. ओके. ठीक है. सो जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और कैंपेन बताया है, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं मैडम, क्लियर है. क्लियर है. इतने से आप स्टार्ट करना चाहते हो? रेडी है आप स्टार्ट करने के लिए अभी मैडम? हाँ जी. नहीं अभी नहीं मैडम, मैंने वो एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं मुझे पता नहीं ना, इसलिए मैं पूछना चाहता था. सो आप प्रमोशन नहीं करना चाहते हो? नहीं, मैं बाद में कर सकता हूँ मैडम. मतलब इशू जानना चाहूंगी एग्जैक्टली क्या चैलेंज आ रहा है आपको. इन्वेस्टमेंट में कोई डाउट है या कैंपेन में? नहीं मुझे पता नहीं इतना, इस तरह होता है, लेकिन मैं फोन करके पूछना चाहता था. अब पता चल गया मैडम मुझे. ठीक है, वो मैं आपको चीज समझती हूँ, लेकिन अभी तो मतलब कि ठीक है, लेकिन आप फिर प्रमोशन कब से स्टार्ट करना चाहते हो? नहीं मैं कर सकता हूँ मैडम, मुझे कैंपेन बनाना आता है. अच्छा. मतलब आपको टीम के साइड से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो? हाँ क्रिएट करना चाहता हूँ. मैं समझना चाहता था, अब क्लियर हो गया मैडम मुझे. ठीक है. और कितने इन्वेस्टमेंट से आप प्लान कर रहे हो स्टार्ट करने का? 20,000 मैडम. ओके. सो अगर आप 20,000 से स्टार्ट दे हो, सो उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ. लाइक आप मतलब टीम के एंड से कोई सपोर्ट नहीं लेना चाहते या आपको खुद से क्यों करना चाहते हैं? मैं रीजन जानना चाहूंगी बस एक. नहीं मैडम मैं कर सकता हूँ मैम. ओके. सो अगर आप चाहें तो मैं आपके कैंपेन क्रिएशन में हेल्प कर सकती हूँ? नहीं मैडम मुझे आता है, मैं बाद में कर सकता हूँ. अच्छा, आपको आपको नहीं करना है अभी? ओके. ठीक है. ओके.
ठीक है संजय, तो मैं आपके, मेरे पास आपका ईमेल आईडी है vijayraybagi59@gmail.com, एक प्रपोजल आपको शेयर कर देती हूँ, जब भी आप रेडी हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगी मैं वहाँ पे, आप मेरे को जब भी आप रेडी हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी चीज में गूगल ऐप से रिलेटेड, आप मेरे को एक मेल कर दीजिएगा, ठीक है मैडम। हमें एक अभियान चाहिए मेरे को, किस चीज का एक्सपीरियंस? ये 20,000 का है ना, 20,000 क्रेडिट है। हाँ तो 20,000 क्रेडिट आपके अकाउंट में ऑलरेडी अप्लाइड है, आपको मिला हुआ है। कैसे यूज करना है मैडम ये? वो आप यूज कर पाएंगे 4th of January के बाद, आपको सबसे पहले अपने एंड से 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे प्रमोशन में, प्लस 18% GST। उसके बाद 4th January के बाद जो प्रोमो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाता है और आपका जो डिडक्शन है वो प्रोमो कोड में से होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 20,000 खर्च होने के बाद आएगा मैडम? पहले आपको अपने एंड से 20,000 इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप प्रोमो कोड में से यूज कर सकते हैं। ओके ऐसा है मैडम, ओके। हाँ जी हाँ जी, तो आप करना चाहते हो स्टार्ट? ये 60 दिन आफ्टर क्या है मैडम? 60 डेज का मतलब होता है कि 60 डेज के बाद जो है प्रमोशन जो अमाउंट होता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ओहो, ओके, उससे पहले आपको अपने एंड, हाँ मैडम, आपको अपने एंड से करना होगा अमाउंट। ओके मैडम, ओके 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 मैडम, चलिए ठीक है। तो संजय मैं आपको एक मेल ड्रॉप कर देती हूँ फिर, ठीक है? इस कॉल पे आपके गोल्स को समझते हुए मैंने आपको इनफीड वीडियो आर 64,000 मंथली 18% GST के साथ रेकमेंड किया है, एक ईमेल आपको आ जाएगा। इन फ्यूचर आप जब भी रेडी हो, आप प्रमोशन करना चाहें, आप मेरे साथ। ओके मैडम, ओके, मच फॉर कॉलिंग इन गूगल एड्स, हैव अ नाइस डे। ओके थैंक यू। ಹಾ ಬಾ 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 ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅವರು, ಹಾಂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅವರು, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ 20,000 ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು 20,000 ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, 20,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ 20,000 ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು 60 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ 60 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋ ಕೋಡ್. ಆ ಪ್ರಮೋ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಲನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಾರಿ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋ ಕೋಡ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ, ಇದೇ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇವರಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.